The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar dosto. Aaj hum baat karenge ek bahut important aspect ke bare mein. पैनिक के बारे में, बिकॉज कोरोना वायरस का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो है पैनिक, वो है आप लोगों की डर. क्यों? बिकॉज वो आपके शरीर के अंदर एक इफेक्ट पैदा करता है जिसको हम कहते हैं नोसिबो इफेक्ट. जी हाँ, कई लोगों ने नहीं सुना होगा, हम लोगों ने प्लासिबो इफेक्ट सुना जरूर है. वॉट इज अ प्लासिबो इफेक्ट? प्लासिबो इफेक्ट एक बहुत बड़ी चीज है. बेसिकली अगर आप कोई चीज ले रहे हो जिस पे आप बहुत अच्छे से भरोसा करते हो, राइट, तो वो चीज आपको उतना इफेक्ट दिखाएगी जितना आप भरोसा करते हो. व्हाट यू बिलीव कम्स ट्रू, ये तो सुना होगा. इस पे मैं डालता हूं अपने तरफ से इन द प्रपोर्शन ऑफ द बिलीफ ऑन इट, योर बिलीफ ऑन इट. जितना बिलीव करोगे उतना दैट कम्स ट्रू, बिकॉज सबकॉन्शियस योर माइंड ऑल्सो मेक्स दैट ट्रू, योर एफर्ट्स मेक्स दैट, वो आपका होने लग जाता है. प्लासिबो इफेक्ट है. अगर आप बिलीव करते हो कि ये दवाई, माइंड ओवर मैटर की बात आती है, उसको कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट. बिलीव करते हो ये दवाई इफेक्ट करेगी तो करेगी, बिलीव करते हो कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला. इफ यू विल गो टू अ फाइट कि भाई मैं हार जाऊंगा, एग्जाम में जाओगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो फेल हो जाओगे. दैट इज ट्रू. यू वॉन्ट इवन परफॉर्म, यू वॉन्ट इवन स्टडी. सो माइंड ओवर मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लासिबो इफेक्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है. किसी को अगर हम भरोसा दिला के बोलते हैं कि ये दवा खा लेना ठीक हो जाओगे, तो वो अगर भरोसा करता है हम पे तो ठीक हो जाता है. दैट्स व्हाट इट मैटर्स, दैट्स व्हाट आपकी डॉक्टर की इमेज मैटर करती है. इसी को प्लासिबो इफेक्ट करते हैं. इसी के बेसिस पे कई मेडिकल साइंस चल रहे हैं. मगर प्लासिबो इफेक्ट का एक डार्क साइड भी है, एक डार्क साइड, नेगेटिव प्लासिबो इफेक्ट, उसको कहते हैं नोसिबो. बिल्कुल वैसे कि जब आप गलत सोचने लगते हो तो आपके साथ भी गलत होगा. हाय राम, मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो जाएगा, हाय राम कहीं मेरी इम्यूनिटी कम तो नहीं है, तो एक्चुअली होगा, एक्चुअली कम होगा. पैंडेमिक जब एक हो जाता है, एक सिटी से वो फैल के एक कंट्री में फैल जाता है, उस कंट्री से सारी कंट्रीज में फैल जाता है, फिर एक एक करके हर जगह जाएगा और वो धीरे धीरे अपना फैलने के बाद में फिर कम हो जाएगा, कम होके वो अपने फेजेस ख़त्म करेगा एक पैंडेमिक के, और उसके बाद अपने आप कम होके फिर अगले साल उसका कोई एक स्ट्रेन आएगा. लेकिन इस बीच जिनको नुकसान होगा, इसके बारे में हम फिर एक बार बात करेंगे. द फेजेस स्टेजेस ऑफ एनी पैंडेमिक, हर एक पैंडेमिक, हर एक वायरल फ्लू इन्फेक्शन कैसे चलता है और कैसे उसका होता है, राइट. बट प्लासिबो इफेक्ट का जो नोसिबो इफेक्ट है वो हो रहा है आपके ऊपर, जो डर बैठ जाता है. ये डर बैठ रहा है हर गलत खबर से, हर गलत अफवाह से. ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खा लोगे तो हो जाएगा, वो करोगे तो हो जाएगा, ये मत करो, वो मत करो, हर 10 मिनट में हाथ धो, लोग हर 5-5 मिनट में हाथ धो रहे हैं, उससे क्या होने वाला है? अल्टीमेटली नाक और मुंह को हाथ लगाने से पहले हाथ धोना है. अल्टीमेटली अपना मोबाइल क्लीन रखना, अपने घर के जो रिमोट कंट्रोल जहां आपके हाथ लगते हैं उनको क्लीन रखना, या फिर जब आप मुंह को हाथ को हाथ लगाएंगे तब हाथ धोना जरूरी है, नॉट रेगुलरली, राइट. घर के अंदर मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा. मास्क तब पहनना है जब ऐसे किसी संदिग्ध इंसान के पास जा रहे हो जिसको खांसी है, जिसको कोरोना है, या ऐसे भीड़ भड़ाके में जा रहे हो जहां पर कोरोना हो सकता है, नॉट एवरीवेयर, हमने ऑलरेडी समझाया है. लेकिन नोसिबो इफेक्ट का आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है? इफ यू बिलीव अ ट्रीटमेंट वोंट हेल्प यू, इट प्रोबेबली वोंट हेल्प यू, याद रखिएगा. सो ट्रीटमेंट हो, टेस्ट या कोई भी दवा हो, इट वोंट हेल्प यू. ये बहुत होता है नोसिबो इफेक्ट में, और यही चीज देखी जा रही है कोरोना वायरस के केस में, कि जो पेशेंट्स, जो लोग बिलीव कर रहे हैं कि यार ये कैसी इतनी खतरनाक बीमारी है, ये है, वो बिना इन्फेक्शन के भी बीमार हो रहे हैं. उनको थोड़ी सी भी फ्लू हो रहा है उनको ज्यादा लग रहा है, उनके जो नॉर्मल सीजनल फ्लू भी है वो भी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ज्यादा देर तक इफेक्ट कर रहा है. ना सिर्फ ये, उनकी रिकवरी स्लो हो जाती है, रिकवरी इंपैक्ट हो जाती है. कोरोना स्केयर जो है, पैनिक जो है, इतना बड़ा गंध है ये, कितनी बड़ी गलत चीज है जो लोग नहीं समझ रहे, जो ये व्हाट्सएप पे ग्रुप पे गलत मैसेजेस फैलाने वाले, ये मत करो, वो मत करो, ये भी करोगे तो मत जाओगे, ये भी करोगे तो हो गया, इतने लोग हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया. आपको जरूर, आपको क्या, हर एक इंसान को ऐसा कोई ना कोई मैसेज, ऐसे कोई ना कोई न्यूज़, ऐसा कोई ना कोई गलत खबर पढ़ने को सुनने को मिली जरूर होगी, जो आप पहली बार में शायद बिलीव कर लेते होंगे. लेकिन प्लासिबो इफेक्ट में अगर हम
पॉजिटिव अप्रोच आ सकती है तो नोसिव में डबल नेगेटिव आ सकता है, याद रखिएगा। सो अगर आप ट्रीटमेंट पे, अगर आप अपने इम्यूनिटी पे भरोसा नहीं करोगे तो वो, इसका मतलब ये नहीं है कि जंग के मैदान में नंगे पैर बिना किसी हथियार के घुस जाओ, इसका मतलब नहीं चाइना में घुस जाओ या ऐसी जगह चल जाओ जहां वो फैला हुआ है, नहीं, हॉस्पिटल में बिना मास्क के पहनो नहीं, बेवकूफी भी नहीं करनी है, लेकिन डोंट पैनिक, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक फर्क है उसमें। सिंपल वर्ड्स में एक हार्मलेस चीज है नोसिबो इफेक्ट, दैट कैन कॉज हार्म बिकॉज यू बिलीव दैट इट इज हार्मफुल, बिकॉज यू बिलीव दैट इट इज हार्मफुल इसलिए इसको हार्म करेगा। आपको कई खबर आ रही है कि इस प्रकार का सैनिटाइजर काम नहीं करता, उस प्रकार का फेल है, अगर आपने सोचा कि आपका सैनिटाइजर काम नहीं करता तो नहीं करेगा, क्योंकि आप धोगे नहीं उतना, क्या करना है, नहीं करेगा, बिकॉज आप सबकॉन्शियसली उस समय नहीं धोगे जब एक्चुअली वायरस होगा, क्या फायदा होगा। तो याद रखिए, आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जो हो रहा है वो तो है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, बट यू कैन कंट्रोल व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, यू कैन कंट्रोल व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड यू। आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने अंदर के कॉर्टिसोल लेवल्स को, आपके अंदर हार्मोन है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस से बढ़ता है, जितना ज्यादा कॉर्टिसोल होगा एक स्ट्रेस हार्मोन, आपके ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ाएगा, एड्रिनलिन नॉरएड्रिनलिन, हार्ट रेट, धड़कन, वो बचाव के लिए तो अच्छा है, दौड़ भागने के लिए अच्छा है, शेर आया भाग जाओ, लेकिन हमेशा नहीं, कितने देर भाग सकोगे, योर बॉडी विल गिव अप, योर लिवर, योर किडनी, एवरीथिंग विल गिव अप जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक। सोच के देखो, एक डर के माहौल में, एक भूतिया हवेली में क्यों इंसान, हार्ट अटैक भी हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ डर से, राइट। सो एक डर बहुत खतरनाक चीज है, ये नोसिबो इफेक्ट बहुत खतरनाक, इसीलिए हम वीडियोस बना रहे हैं, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपके नंबर एक डर खत्म हो, नंबर दो गलत धारणा ना हो, नंबर तीन प्रिवेंशन करना है, नंबर तीन इसको फैलने नहीं देना है। कैसे नहीं फैलने देना है वो आपको समझे, ये ना हो कि घर में बैठे हैं, अपने कमरे में, बाथरूम भी जा रहे हैं तो मास्क लगा के जा रहे हैं और भाई साहब उसी में खांस रहे हैं, उसी को फिर फेंकना, उसको डिसइंफेक्ट करना भी, उसको डिस्पोज करना भी नहीं आ रहा, वही पहन के दो सारा दिन घूम रहे हैं, राइट, उस मास्क से और ज्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, गलत समय इस्तेमाल कर रहे हो, पूरा दिन पहने रहे हो, तब पहनना है जब आप ऐसे पर्सन के पास जा रहे हो, संदिग्ध में ऑलरेडी बता चुका हूं पहले वीडियोस में, आप अगर देख रहे हैं तो। सो योर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इज एक ऐसा चीज है जो दिक्कत बढ़ा सकती है, अगर आपके अंदर कंटिन्यूसली कॉर्टिसोल ज्यादा है। सो आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है, माइंड फ्रेश रखना है, आपको प्रिवेंशन करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, माइंडफुली रखना है कि मुंह हाथ को टच ना करें, मोबाइल को सही जगह पे रखें, उसको क्लीन करें, घर के अंदर ऐसी चीज़ों को क्लीन करें जो सही है, टिश्यूज यूज करें, छींकना यहाँ चुके बहुत बार बता चुके हैं आपको प्रिवेंशन कैसे करना है, लेकिन प्लासिबो और नोसिबो इफेक्ट को समझना ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे को नहीं बताओगे तो वो कोई ना कोई गलत खबर आप तक पहुंचेगी, एक ना एक मैसेज उसको, जब जैसे ही गलत खबर आई, जैसे ही गलत आया, आपको अगर पता है, आपको अगर नॉलेज है, समझ है कि भाई ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, उस इंसान को जिसने भेजा उसको टोको, समझाओ बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे चीज़ें मत फैलाओ, इसका क्या इफेक्ट होगा समझो, राइट। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो उस पर बिलीव करो, वरना मत जाओ, दैट सिंपल। अगर आपको किसी और पे बिलीव है, किसी और पे जाओ, लेकिन जहां जाते हो उस पे बिलीव करो, बिलीव नहीं करोगे डन, योर ट्रीटमेंट वोंट वर्क। डॉक्टर भी कहता ना आखिरी में, भगवान पे भरोसा करो, करना जरूरी है, अपने आप पे भी, भगवान पे भी, ये बीमारी है, ये आएगी और चले जाएगी। चाइना में अब केसेस कम हो गए हैं, चाइना में नए केसेस आने कम हो गए हैं, वो चाइना से खत्म होने लगी है, लेकिन दूसरे कंट्रीज में, यूएस में, इंडिया में, बाकी जगहों पे ज्यादा फैलेगी, फिर वहां भी कम होगी, खत्म होगी एक समय के बाद। सो बी एश्योर्ड, आपको खुद को बचाना है, इसलिए खुद की कम्युनिटी, खुद के घर वालों के हैंड हाइजीन और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो सबको पता है वो करना शुरू करो, पैनिक मत करो, राइट, पैनिक मत करो, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, गलत कोई भी न्यूज जो मिलती है उस पर भरोसा मत करो आग बंद करके, समझ रहे हो गया, कई सारी चीज़ें गलत न्यूज़ में बता चुके हैं, हर चीज़ सही नहीं होती है, हर चीज़ गलत नहीं होती है, तो यूज़ योर माइंड एंड ट्रस्ट डॉक्टर्स। अब एम्स की साइट आ चुकी है, एम्स का नंबर आ चुका है जिसपे आप कॉल करके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वो नंबर आप इंटरनेट से निकाल लीजिएगा और उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेना, WHO की वेबसाइट से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वहाँ से निकाल लेना, पैनिक नहीं करना है, रिमेंबर दैट।
शो दिस वीडियो टू एवरीबडी हु इज पैनिकिंग, समझाओ पैनिक से क्या नुकसान है। उल्टा ये वायरस उतना नुकसान नहीं करेगा जितना आपका पैनिक, उतना स्ट्रेस हार्मोन, जितनी एंजाइटी कर देगा। राइट, एवरी थर्ड पेशेंट इज कमिंग विद द पैनिक। हमारे पास पैनिक की जरूरत नहीं है, प्लीज। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट देम डाउन, बट स्टॉप दिस नोसिबो इफेक्ट, स्टॉप दिस पैनिक। हर एक गलत खबर वाले वीडियो, हर एक उसके सोर्स को बैन करो, उसके सोर्स को रिपोर्ट करो, उसके सोर्स को बंद करवाओ। दैट्स योर जॉब। ये पैंडेमिक है, आपके अकेले के पास भी पहुंचेगा अगर आप अकेले इसके लिए कुछ नहीं करोगे। सो प्लीज डू दैट, प्लीज शेयर द वीडियो, प्लीज लाइक इट, प्लीज अपने तरफ से हर एक पॉसिबल कदम उठाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है।